सबसे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि हम लोगों को पता है कि रिजल्ट आने से लगभग मार्च में हम लोगों का रिजल्ट आया था और अक्टूबर ख़त्म होने पे है और अभी तक सरकार हम लोगों को सर्टिफिकेट के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। बार बार हम लोग सचिवालय जाते हैं और सचिवालय से खाली हाथ लौटना पड़ता है, कोई सही जवाब नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को, डेट याद रख लीजिए आप लोग, 26 अक्टूबर को दिन में 10 बजे हम लोगों को गांधी मैदान पहुंच जाना है और 26 अक्टूबर को ही कुंदन जी के नेतृत्व में एक महा आंदोलन किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। इसमें मेरिट नोट मेरिट कोई चर्चा नहीं है, ऑल क्वालिफाइड यानी 80,402 कैंडिडेट्स को कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए उस बात में चर्चा होगा और हम लोग एक शांति मार्च आंदोलन करेंगे शांति मार्च के रूप में सर्टिफिकेट के मांग के लिए। इसका परमिशन भी लिया जा रहा है, जो पटना में हमारे मित्र हैं वो लोग परमिशन ले रहे हैं इसके लिए। 26 अक्टूबर को ये आंदोलन होगा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी जो भी जिस जिले से हैं भारी से भारी संख्या में पहुँचिए अपना संख्या बल के साथ और इस आंदोलन को सफल बनाइए। अभी एक दो दिन पहले ही कुंदन जी और उनके टीम द्वारा सभी की सहमति से हर जिला में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है जो अपने अपने जिला को लीड करेंगे। सबका लिस्ट उस ग्रुप में दे दिया गया है जो अपना सर्टिफिकेट ग्रुप है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी सबको शेयर कर दिया गया है। जिस जिले में भी जिन भाइयों को लीड करने के लिए दिया गया है, आप लोग अपने जिले से मीटिंग करें, अपने जिले के सभी सदस्यों को, सभी अभ्यर्थियों को एकत्रित करें और 26 तारीख को भारी से भारी संख्या में पहुंचें। जिस भी जिले में जिनको नियुक्त किया गया है वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं, सभी अपना अपना मीटिंग करें और संख्या किस तरह से हमारा बढ़े, क्योंकि देखिए टोटल 80,402 कैंडिडेट हैं ऑल क्वालिफाइड में और अगर हम लोग 10,000 भी नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए ही शर्म की बात है। तो हम लोगों को भारी से भारी संख्या में पहुंचना होगा। संख्या ज़्यादा रहेगी, एकता रहेगी, सरकार भी हमारे संख्या को देख के झुकेगी। शिक्षा मंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि दीपावली में हम आप लोगों को इतनी मिठाई खिला देंगे कि मिठाई खाने का मन नहीं करेगा। तो इस आंदोलन में हमारा एक वो भी प्लान रहेगा कि हम लोग जितने भी रहेंगे सदस्य जो हमारी अगुवाई करेंगे उनका एक टीम मिठाई का डब्बा लेके शिक्षा मंत्री जी के पास भी जाएगा कि दीपावली का मिठाई सर हम लोग आपको खिलाने आए हैं, इसको खा के भी तो सर्टिफिकेट दीजिए हम लोगों को, आप तो बोले थे और मुकर गए। तो आंदोलन में बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके बात होगी। सबसे पहले जितने भी लोग हैं अपने जिला के जो कार्यभार को देखने के लिए जिनको जिम्मा मिला है वो लोग सबसे पहला काम कीजिए कि अपने टीम को बढ़ाइए, फ़ोन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जैसे भी होता है आप लोग मीटिंग कीजिए अपने अपने जिला में और रोज शाम में फिर टेलीग्राम पे जो मेन ग्रुप है अपना सर्टिफिकेट का उसमें वॉइस चैट होता है, उसमें आप अपना स्थिति बताइए कि हाँ आपने क्या काम किया आज, आपकी टीम का विस्तार कहाँ तक हुआ, आपके जिले से कितने लोग आ रहे हैं, ये सारा चीज़ का ब्यौरा आप एक एक करके वहाँ देंगे। इससे क्या होगा कि अपनी रणनीति बनाने में हमें अपनी रणनीति का पता चलेगा, जहाँ त्रुटि होगी आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पर कैसे किया जा सके, और ये मुख्य मुद्दा वहाँ पे होना चाहिए। आंदोलन में सबको एकजुट होकर आना है, इस बात को आप लोग जान समझ लीजिए। सरकार ने कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ने का काम किया था, हम लोग दो भाग में बंट चुके थे, मेरिट और नॉट मेरिट।
लेकिन फिर उसी सरकार ने अपनी त्रुटि को माना और मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन बताकर ऑल क्वालिफाइड बनाया। जो हो चुका है उसे भूलकर हम लोगों को ऑल क्वालिफाइड के लिए फाइट करना है। कौन मेरिट में है, कौन क्वालिफाइड है, इसको याद नहीं रखना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम लोग सभी क्वालिफाई हैं। हम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि क्वालिफाई तो हम लोगों को कर दिया गया है, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक हम लोग कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट हमारा हथियार है, उसके बिना हम लोग रिजल्ट का कोई मतलब मान्यता नहीं है कि हाँ हम लोग क्या है। क्योंकि देखिए, आपको जो रिजल्ट मिला है, चाहे उसमें मेरिट लिखा हो चाहे नॉट मेरिट लिखा हो, उसके नीचे एक चीज लिखा है कि ये कंप्यूटराइज कॉपी है और इसका कोई भी लीगल यूज नहीं है। इस चीज को समझिए, सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट के लिए सभी को एक साथ होना होगा, सभी एक मंच पर आइए। पहले क्या हो चुका है या क्या हो रहा है इसको भूल के, इस चीज को भूल के, कौन क्या है कौन क्या थे इसको भी भूल के सभी छात्रों को एक मंच पे आना होगा। ये रिक्वेस्ट है मेरा कि क्या हो रहा था नहीं हो रहा था इसको भूलिए, सभी एक मंच पर आइए और सर्टिफिकेट का मांग कीजिए। फिर बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी ये वक्त का मांग है कि सभी छात्र को, सभी कैंडिडेट को एक मंच पर आना होगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, बहुत क्रिकेट प्रेमी है उनको मैं बताऊँ, एक आईपीएल चल रहा था। आईपीएल में एक ही टीम के अलग अलग सदस्य अलग अलग टीमों से खेल रहे थे, अलग अलग टीमों से खेल रहे थे, उनमें एक द्वंद्व की भावना भी थी। लेकिन जैसे ही अभी वर्ल्ड कप की बात आती है, वही अलग अलग सदस्य एक टीम में एक यूनाइट होकर वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक साथ खेलते हुए अब नजर आएंगे। तो समझ लीजिए कि जो हो रहा था, जो मुद्दा चल रहा था बिहार में, वो हमारा आईपीएल था। अब वक्त आ गया है, हमें वर्ल्ड कप लेना है, वर्ल्ड कप रूपी सर्टिफिकेट लेना है। सभी को एक साथ आना होगा, जितने भी लोग हैं सभी को एक साथ आना होगा, तभी हमारी जीत सुनिश्चित होगी, तभी हमें वर्ल्ड कप मिल पाएगा, सर्टिफिकेट मिल पाएगा। पहले भी आंदोलन हुआ है कुंदन जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं हम लोगों ने सर्वसम्मति से कुंदन जी को अपना लीडर चुना है। पहले भी उन्होंने लीड किया है, आगे भी कुंदन जी करेंगे, तो कुंदन जी के नेतृत्व में ही ये आंदोलन होगा। आप सभी मित्र वहाँ पे आइए, एक मंच पे सभी आइए और सर्टिफिकेट का डिमांड कीजिए। यही मैं कहूँगा। प्रकाश सिंह जी, आप बोल रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का सीट बढ़ाने पे काम कीजिए। सर, वो काम ऑलरेडी हो रहा है और हो भी चुका है। संजय सर का आपने वीडियो देखा होगा और वो लिखित में भी है कि सीट बढ़ेगा। सबसे पहले तो जो छठे चरण का सीट बचेगा वो सातवें में ऐड होगा। फिर ये संजय सर ने भी स्वीकारा है और भी विभाग के कुछ हैं, उन्होंने भी स्वीकारा है कि जब छठे चरण में जून 2019 तक का सीट दिया गया है, तो सातवें चरण में कम से कम जून 2021 तक का सीट दिया जाएगा, यानी 2 साल का सीट। और 2 साल में अगर हर सब्जेक्ट में 2,000 सीट भी वैकेंट होता है तो काफी सीट बढ़ जाएगा। सीट बढ़ने की तो बात हो ही रही है जी। विकास जी, हम भी आएंगे आंदोलन का, जब हम आह्वान कर रहे हैं सबसे, तो हम कैसे घर में रह जाएंगे, हमको भी आना ही है आंदोलन में। क्योंकि वो किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, वो सबका आंदोलन है। सबका साथ होगा तभी सबका विकास हो सकता है, इसलिए आना तो है ही। और सिर्फ अकेले नहीं आना है, जहाँ तक आपके पास संख्या बल है सबको ले के आना है। जितने लोग, अगर एक आदमी 5-5 लोगों को भी लाने का मुद्दा रखते हैं तो समझिए कि हम लोग 10,000 से 15,000 का भीड़ इकट्ठा कर देंगे, और वो भीड़ कम नहीं होता है। आंदोलन किसी एक आदमी का ये नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट है, ये ऑल
कैंडिडेट का आंदोलन है, तो इसमें मेरिट क्या और नॉट मेरिट क्या, कुछ नहीं, ऑल क्वालिफाइड, ये ऑल क्वालिफाइड का जंग है, तो ऑल क्वालिफाइड को एक साथ आना होगा। इसमें आपको भड़काने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, अरे कुछ नहीं होगा, सरकार बोल दी है पेपर में, ये उस पर नहीं रहना है। पेपर में हर रोज नया नया न्यूज आता है, हमें अपने आप पे विश्वास रख के आना है कि आना है तो कुछ लेके ही जाना है यहाँ से, ये समझ के आना है। विमलेश कुमार जी, इंटरव्यू का कोई बात नहीं है, वो जो न्यूज वायरल हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी, ऐसा कोई भी न्यूज ऑफिशियल नहीं आया है कि सातवें चरण में सुपर टेट होगा या इंटरव्यू होगा या और भी कुछ एकेडमिक पे होगा, ये शुरू से ही सबको पता है कि सातवां फेज का जो नियोजन होगा वो एकेडमिक पे होगा। कितना भी कोई कुछ कर ले, नियोजन में आना ही पड़ेगा सबको, डायरेक्ट नियुक्ति नहीं मिल सकती है, नियुक्ति नियोजन के थ्रू ही मिलेगी, नियोजन में आपको आना ही पड़ेगा, और नियोजन एकेडमिक के आधार पर होगा, जिसमें कि बीए प्लस बीएड इसी का अंक बटे दो आपका जो परसेंटेज बनेगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। एस्टेट का जो मार्क है सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क है, उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये कहने वाले कह रहे हैं कि 140 और 115 और 120 जो भी है, ऐसा नहीं, आपके सर्टिफिकेट में अगर क्वालिफाई लिखा है तो आप नियोजन में जाएंगे, ये नियोजन का नियम कहता है। बाकी और जो है वो तो हो ही रहा है हर तरफ से, अभी हमारा मेन फोकस आंदोलन पे होना चाहिए, जो 26 अक्टूबर को हम लोगों ने किया है, कुंदन जी के नेतृत्व में वो आंदोलन होगा। आप लोग सभी सदस्य आइए, एस्टेट अभ्यर्थी जितने भी हैं आइए। अब मैं चूंकि भागलपुर का हूँ तो भागलपुर के मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मीटिंग आज ही, मतलब हम लोगों ने किया था कि बुधवार को हम लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन मौसम इतना खराब है आज कि एक भी मिनट सुबह से अभी तक बारिश रुकी नहीं है, तो आज मीटिंग नहीं हो पाया। शुक्रवार को हम लोग मीटिंग करेंगे, भागलपुर का नेतृत्व प्रशांत जी और बंटी जी को मिला है। भागलपुर जितने भी लोग हैं इस बात को समझ लें कि प्रशांत जी और बंटी जी से संपर्क करें आप लोग, भागलपुर का नेतृत्व इन्हीं दोनों को मिला है, इनके नेतृत्व में ही भागलपुर में मीटिंग होने जा रहा है। शुक्रवार को हम लोग स्थान फिक्स कर लेंगे कि सैंडिस कंपाउंड में होगा या फिर यूनिवर्सिटी का जो टिल्हा कोठी है वहाँ पे, दोनों में से कहीं एक जगह हम लोग तय करेंगे और मीटिंग का समय फिक्स होगा, तो हम लोग अपना मीटिंग वहाँ पे करेंगे। और भागलपुर से कितने सदस्य जा रहे हैं ये तय करेंगे, भागलपुर के सदस्य ये बात जान लें कि शुक्रवार को हम लोग मीटिंग में मिलते हैं। जो मित्र लेट से जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि 26 अक्टूबर को दिन के 10 बजे पटना के गांधी मैदान में हम सभी एस्टेट क्वालिफाइड 2019 के क्वालिफाइड जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको जमा होना है। हम लोग एक महा आंदोलन का आगाज कर रहे हैं 26 अक्टूबर को, और आंदोलन का मुख्य और एकमात्र मुद्दा है कि सबका सर्टिफिकेट निर्गत हो जल्द से जल्द। सभी छात्र वहाँ आइए अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, आंदोलन में हिस्सा बनिए, आंदोलन के सहभागी बनिए। आपसी रंजिश, आपसी जो भी है सब कुछ भुला के अभी सिर्फ एक ही बात याद रखना है, सबको सर्टिफिकेट कैसे मिले, इस बात को लेके हम लोग जमा होंगे पटना में 26 अक्टूबर को। और भी किन्हीं मित्रों को अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए। देखिए कुछ बातें अब करते हैं, जैसे पिछले 10-15 दिनों से कुछ अफवाह था बाजार में, ये अफवाह सिर्फ और सिर्फ जो तथाकथित मेरिट है, जो ज़्यादा दिन मेरिट में रहे नहीं लेकिन अपने आप को अभी भी वो लोग मेरिटधारी समझ रहे हैं, उन लोगों का सोचा समझा चाल था। कभी संजय सर का रिप्लाई किया हुआ, तो कभी किसी पेपर का कटिंग, कभी कुछ, वो लोग समय समय पर ऐसा कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत और निराधार है। सचिवालय से अभी तक जो अपडेट लास्ट टाइम आया था
कि ऑल क्वालिफाइड की ओर देखा जाएगा, बस वहीं पे सरकार शिक्षा विभाग स्टैंड कर रही है, वहाँ से कुछ उसके अलावा आया नहीं है। ये मेरिट वालों की सोची समझी साजिश थी कि कभी संजय सर का रिप्लाई, तो कभी सचिवालय का कोई, तो कभी आईटीआई, ये फेक न्यूज़ ये लोग फैला के मार्केट में भ्रम का स्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि छात्रों में उहापोह की स्थिति बनी रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल क्वालिफाइड का होगा और ये बार बार क्लियर किया जा रहा है। कल के भी न्यूज़पेपर को देख लीजिए, उसमें जो एक आया है कि अब पंचायत चुनाव के बाद होगा नियोजन का प्रक्रिया छठे चरण का, वहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि छठे चरण के बाद सातवें चरण की बहाली की जाएगी, जिसमें 80,402 कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं। तो जब सरकार भी बार बार 80,402 की ही बात कर रही है, तो हम लोग आपस में क्यों उलझे मेरिट नॉट मेरिट करके? हम लोग ऑल क्वालिफाइड हैं, ऑल क्वालिफाइड की बात करेंगे। तो आंदोलन में भी सभी आइए, मेरिट नॉट मेरिट को भूल के सभी आइए और आंदोलन को सफल बनाइए। जितने ज़्यादा संख्या बल में रहेंगे उतनी सफलता जल्दी मिलेगी। मुट्ठी भर लोग आते हैं, सरकार या कोई अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम लोग एक संख्या बल में, सोचिए कि पटना के रोड पे 10,000 कैंडिडेट अगर उतर जाए तो पटना का क्या माहौल होगा? सिर्फ 10,000 कैंडिडेट पटना के रोड पे उतरेंगे तो पटना का क्या माहौल होगा, सोचिए। सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अरे ये सबको पता है कि 26 को आंदोलन करेंगे, 26 को ही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन एक फिक्स डेट, एक ऑफिशियली लेटर तो आएगा कि हाँ इस डेट में हम लोग सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। यही तो करना है हम लोगों को। हमारे आंदोलन का मुख्य मकसद तो यही है कि अपना सर्टिफिकेट श्योर करना है। जो भी भाई बंधु, जो भी कैंडिडेट आएंगे, वो मेरे लिए नहीं आएंगे या कुंदन कुमार के लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। इस बात को समझिए कि आप लोग अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आ रहे हैं। आप लोगों का मकसद सर्टिफिकेट प्राप्त करना है अपना। आप अगर आते हैं आंदोलन में तो आप दिलीप झा का सर्टिफिकेट नहीं लीजिएगा, कुंदन कुमार का नहीं लीजिएगा, आप लीजिएगा अपना ही सर्टिफिकेट। तो अपने लिए तो आ सकते हैं, एक दिन पटना घूमने के विचार से भी आ सकते हैं कि एक दिन पटना टूर में जा रहे हैं। चलिए तो 26 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, सर्टिफिकेट के लिए मांग कीजिए, अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए और अपने नौकरी की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। बस इतना ही कहूँगा मैं। सभी मित्र समझदार हैं, सभी को बात समझनी चाहिए कि अगर कोई बुला रहा है तो उनके लिए भी बुला रहा है, आपके खुद के लिए नहीं बुला रहा है। अब बाकी समय ही ऐसा है कि कभी इसका कभी उसका अपवाह तो उड़ना लाजमी है। अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो बहुत ऐसा नहीं है कि सब आपका समर्थन करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपका विरोध करेंगे। और अगर कंपटीशन है किसी चीज़ में और आपके विरोधी ना हो तो फिर लड़ने का मज़ा भी नहीं आता है। लड़ने का मज़ा तभी आता है जब आपका विरोध हो रहा है। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका विरोध होना शुरू हो गया तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। इस बात से विचलित नहीं हो रहा होना है कि मेरा विरोध हो रहा है। अरे ये तो अलग अलग जगह के अलग अलग स्टूडेंट हैं तो विरोध लाजमी है। अपने हाथ को देखिए, क्या ये पाँचों उंगली बराबर है? तो जब ये बराबर नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे बिहार के लोग एक माइंड से काम करेंगे? तो वहाँ पे सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, तो अलग तो होगा ही। और अगर आप सफल हो रहे हैं तो आपका विरोध भी लाजमी है, इस बात को भी जाना। इसलिए विचलित नहीं होना है कौन आपके साथ है, कौन आपका विरोधी है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे मकसद के लिए काम करते रहना है। अगर इस धरती पे कोई आपका समर्थन नहीं कर रहा है तो वो ईश्वर है, वो तो आपको देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अफवाह ऐसे ही फैलता है। एक कहावत है कि अगर आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते हैं तो उसकी बदनामी शुरू कर दीजिए, वही हो भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अफवाहें अभी मैंने इधर सुनी है कि दिलीप झा ऐसे कर रहा है, दिलीप झा इसके साथ मिला है।
तो चंद चार पांच लोगों से दिलीप झा का कुछ होने जा रहा नहीं है। वो लोगों की मंशा क्या है सबको पता है, वो लोग क्या करना चाहते हैं सबको पता है, तो इससे डरने की बात नहीं है। बस अच्छा काम करते रहिए, फल अपने आप आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आखिर में यही कहूँगा कि 26 तारीख को आप लोग आंदोलन में आइए, कौन क्या बोल रहा है उसको इग्नोर कीजिए। 26 अक्टूबर को दिन में 10 बजे पटना के गांधी मैदान में आप लोगों को जमा होना है, आंदोलन में आना है और आंदोलन को सफल बनाना है, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक का नहीं है, किसी एक पर्सन का नहीं है, ये पूरे बिहार का आंदोलन है। अपना सर्टिफिकेट कैसे लेना है उस चीज़ के लिए आना है सबको, अपने लिए आना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार जब भी फिर ज़रूरत होगी मैं आप लोगों के सामने लाइव होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।